हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पर। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट में। फर्दर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए आइए करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बहुत लोगों ने नहीं बता पाए थे। मैंने कहा था कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, तो आज मैं बता रही हूँ कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय है कहाँ। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993, यानी कि 1993 में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन का आंसर था। अब आज की वीडियो में क्या होने वाला है, क्या है आगे, किस देश में क्या हुआ, क्यों हुआ, वो जानते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जैसा आ रहा है, वर्ल्ड बुक फेयर 2022 में भारत अतिथि देश कौन सा होगा। तो अतिथि देश कौन सा होगा, तो ये कौन सा होगा, नई दिल्ली में भारत में होगा, और इसमें अतिथि देश फ्रांस होगा। कौन सा होगा, फ्रांस। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप से फेडरेशन कप, कौन सा कप, फेडरेशन कप मैचे को अब किस देश में स्थानांतरित कर दिया गया, तो कजाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया है। कहाँ पे किया गया है, कजाकिस्तान में। ठीक है, तो कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत दिनों से आप सुन रहे हो कोरोना वायरस, तो ये अब हर जगह ये छींकने या खांसने के संपर्क में आने वाले, यानी कि हवा के संचार के माध्यम से ये कोरोना वायरस फैलते हैं, और जिसमें 14 दिन तक इसके लक्षण नहीं पता चलते हैं, और 14 दिन तक के बाद अचानक इंसान को पता चलता है, और उसकी डेथ होने की संभावना ज़्यादातर रहती है, यानी कि 99% डेथ होने की संभावना रहती है, और 1% ही बचने के चांस है। तो इसलिए आप लोग मनाइए कि भगवान न करे कि कोरोना आगे पीछे हम लोग के घूमे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ IBA के मुख्य कार्यकारी, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी, कौन सा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी। और दूसरा क्या हम यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भारतीय बैंक संघ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडियन बैंक एसोसिएशन, क्या हो गया, इंडियन बैंक एसोसिएशन। IBA में आपसे पूछ लिया जाता है कि ए का फुल फॉर्म क्या है, तो आप एसोसिएशन मारेंगे, ठीक है, बी का पूछेगा तो आप बैंक मारेंगे, और यहाँ पे आई का पूछेगा तो इंडियन मारेंगे, क्या मारेंगे, इंडियन। तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें चुना किसे गया है, तो चुना गया है इसमें सुनील मेहता को, किसे चुना गया है, सुनील मेहता को, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में राज्य की किस राज्य की झांकी को सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी इस बार का असम को था, असम का था, किसका था, असम का, जिसको चुना गया है, असम का झांकी जो है सो बहुत ही अच्छा था। जैसा कि आप टीवी अगर देखे होंगे गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन, तो बहुत ही अच्छी इनकी आकर्षक अट्रैक्टिव झांकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे कुछ कुछ देख लीजिए, विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों में के विभागों में कुल 6 झांकियों में से जल शक्ति मंत्रालय, कौन सी मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की झांकियों को संयुक्त रूप से पहला पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे राज्य में पूछे तो आप असम मारोगे, अगर आपसे जो है सो मंत्रालय में पूछे तो आप जल शक्ति और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल, इन दोनों को दिया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक केंद्रीय लोक निर्माण में देश के विभिन्न भागों में फूलों के माध्यम से दिखाने के लिए उनको विशेष पुरस्कार दिया गया है। तो ये हुए आपके झांकी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द साल 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया गया। तो संविधान शब्द इस बार का हिंदी शब्द, ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द क्या हो गया है, घोषित किया गया है। कुछ कुछ यहाँ पे अभिचुरी देखेंगे, यानी कि श्रद्धांजलियाँ, देखिए कौन कौन सा है,
मलयालम, तमिल और तेलुगु की दिग्गज अभिनेत्री जमीला मलिक का निधन हो गया है। आपसे कोई अगर पूछे जमीला मलिक कौन थी, तो मलयालम, तमिल और तेलुगु की अभिनेत्री थी। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गोलोक चंद्र स्वामी कंद वो कौन थे? असमिया भाषाविद, शिक्षाविद थे, यानी आप जो है सो वो लेखक वगैरह भी मान सकते हैं। शेर सिंह कुक्कल या क्या थे, कलाकार और मूर्तिकार थे। अमरनाथ सेट्टी कर्नाटक के पूर्व मंत्री और जनता दल के वरिष्ठ नेता थे, अमरनाथ सेट्टी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शेख खालिद बिन खलीफा बिन जायद अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किस देश का नियुक्त किया गया है, तो कतर का नियुक्त किया गया है। किसका नियुक्त किया गया है? कतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने विधानसभा में विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अभी नई राजधानी क्या है? तो अमरावती। कहाँ है? तो अमरावती। इसलिए आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए फ्रेंड्स, डेली का डेली जो है सो आप अपना कुछ ऐसा रूल्स बनाए, कुछ टारगेट फिक्स कर लीजिए ना, कि छोटा से छोटा टारगेट को फिक्स कीजिए और उसी को जब तक पूरा नहीं हो तब तक उसको छोड़ने का दम नहीं लीजिए। देन तब भी आपका कुछ होने वाला है, वरना कुछ नहीं होगा आज के डेट में। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण गुजरात में आयोजित किया गया है। किस राज्य में? तो गुजरात में। होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो होलोकास्ट के पीड़ितों, कौन से कास्ट? तो होलोकास्ट। तो होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में 27 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, GEM संगठन संबंधी परिवर्तन समूह परियोजनाओं के प्रबंधन इकाई स्थापित करने के लिए किस राज्य ने सरकारी ई मार्केट प्लेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह कौन सा राज्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे भारतीय रेलवे का अपशिष्ट से ऊर्जा, कौन से ऊर्जा? अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र तकनीक में किसका उपयोग किया जा रहा है, जिसे हाल ही में भुवनेश्वर में शुरू किया गया? तो पॉलीक्रैक। किसका है? तो पॉलीक्रैक अपशिष्ट से ऊर्जा बनेगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब किस वर्ष तक भारतीय रेलवे पूरी तरीके से विद्युतीकरण हो जाएगा? तो किस वर्ष तक होगा? 2024 तक होगा। कब तक होगा? 2024 तक हो जाएगा पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा, आपने सेशन एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हाँ बेल आइकन में जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन की बजेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एंड आपका दिन मंगलमय हो आज के लिए।